वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आप सबकी अपनी भारती। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो पाइप दिखा रही हूँ, इसको मैंने कल ही पेंट किया था इनेमल पेंट, और इसको मैंने एक जो झाड़ू वाली वीडियो थी उसमें शेयर किया था। तो ये झाड़ू के पीछे से जो उसका कैप होता है, इसमें यहाँ पर स्टिक्स होती हैं और यहाँ पर जो इसके आगे वाला पोर्शन होता है, तो वो निकाल कर ये वाला पोर्शन जो है मैंने इस तरह से इसको निकाल कर पेंट कर लिया था। तो बहुत सारे झाड़ू में आयरन का होता है, लेकिन कुछ झाड़ू में प्लास्टिक का होता है। तो प्लास्टिक का तो हम यूज़ जो है इस चीज़ में नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरे पास लोहे का था। तो इससे मैं एक चीज़ बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको रेड इनेमल पेंट कर लिया है, और उसके बाद इस टाइप की जो डोरी आती है सूट्स वगैरह स्टिच करने के लिए, तो अगर आपके पास कोई भी डोरी हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से इस तरह से रैप करना शुरू करेंगे। इसके जो किनारे हैं उनको हम थोड़ा सा फिनिश कर देंगे, और साथ ही साथ फिनिश करने के साथ साथ ये हाईलाइट भी हो जाएंगे। आप इस पे चाहो तो डिफरेंट कलर से डिज़ाइन भी बना सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल जो है ये कलर ही किया है। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए पेंट ये वाली जो डोरी है उसको चढ़ा दूँगी। इस तरह से इसके दोनों किनारों पर मैं इसको रैप करती जाऊँगी। तो ये एक हमारे पास बहुत अच्छा झाड़ू का DIY हो जाएगा। एक्चुअली ये मैं बना रही हूँ बर्ड्स के बैठने के लिए। अगर आपके पास कोई भी गार्डन है, बालकोनी, टेरेस या फिर जो ओपन गार्डन होता है, उसमें भी आप इस तरह के कुछ बनाकर बर्ड्स के बैठने के लिए इनको इस तरह से सजाकर लगा सकते हो, जिससे आपकी जो गार्डन की ब्यूटी है वो भी इन्हेंस होगी, और जब इस पर आकर बर्ड्स बैठेंगे तो आपको भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, और हमारी जो है एक तरह की क्रिएटिविटी बनकर हमारे पास तैयार हो जाती है। इसको यहाँ पर मैं इस तरह से रैप कर देती हूँ। तो यहाँ पर नॉट लगाने के बाद जितनी हमें चाहिए होगी, ये जो इसकी हमने लेंथ रखनी है इसको हैंग करने के लिए, इस तरह से हम इसको हैंग करेंगे। तो जितनी हमें हाइट चाहिए हम उतना थ्रेड जो है रखकर बाकी का थ्रेड जो है इस तरफ रैप कर देंगे। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना, जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। आप इस तरह के जो बिल्कुल इजी होते हैं DIYs, आप अपने जो छोटे घर के बच्चे होते हैं आप उनको करने के लिए जो है प्रेरित कर सकते हो, जिससे एक तो उनका जो है क्रिएटिविटी में ध्यान जाएगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते रहेंगे, इंटरेस्ट बनेगा उनका। दूसरी बात, वो जो है हमारी जो कुदरत है, नेचर है, उसके साथ जुड़ेंगे। आप थ्रेड कोई भी ले सकते हो। जूट का थ्रेड मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि गिलहरी जो है इसे खोल कर ले जाती है। तो देखिए इस तरह से ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और मैंने इसके सेंटर में भी एक थ्रेड जो है टाई कर दिया है। तो इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी है, तो बर्ड अगर बैठेगा तो यहाँ पर बैठ सकता है इजीली। तो इस तरह के छोटे छोटे DIYs जो है हम अपने घर में अगर करेंगे तो हमारा घर जो है बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।